तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक ब्रिज की तस्वीर है। आप सोचोगे क्या ब्रिज है। दिस इज चालूटेका ब्रिज और ये अमेरिका में सिचुएटेड है। 1992 में बनाया गया था और वहां के लोग इसका बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, क्योंकि ये ब्रिज बहुत ही इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना इसको माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये जापानीज आर्किटेक्ट्स ने बनाया था, और जब उन्होंने ये बनाना शुरू किया था तो उनका यही एक अमेरिकन की कंडीशन थी कि ब्रिज बहुत बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तूफान आते थे उस जहां पे वो पानी बहता था, उस दरिया में इतने ज्यादा तूफान आते थे, साइक्लोनिक तूफान जैसे, तो हर ब्रिज वहां पे कोई टिकता ही नहीं था। तो उन्होंने पहले ही ये शर्त रख दी थी कि ब्रिज बढ़िया बनना चाहिए, एंड जापानीज आर्किटेक्ट, जापानीज टेक्नोलॉजी के तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन ब्रिज बना 2 साल बाद क्या होता है, वहां पे फिर वैसे ही तूफान आता है। अब क्योंकि इतना अच्छा ब्रिज बना था, इतनी अच्छी इंस्ट्रक्शन हुई थी, इतना ज्यादा उन्होंने इस पे सब कुछ किया था, सब हर चीज को ध्यान में रख के बनाया था कि ब्रिज को फ्रेंड्स कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब पानी को रास्ता नहीं मिला तो उसने अपना पानी जो उसका रास्ता था जहां से वो पहले बह रहा था वहां से नहीं छोड़ के साइड से बहना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिज उसको रोक रहा था। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना लाइफ स्पेंड करते जा रहे हैं और ब्रिज की तरह वहीं अड़ गए हैं कि ये मेरी जॉब है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ फैमिली देखनी है। हर चीज, किसी भी चीज, एक चीज को लेके हम खड़े हो गए हुए हैं, अड़ गए हुए हैं। हम ये नहीं समझना चाहते कि आज के टाइम पे हमें जरूरत क्या है, किस चीज को हमें प्रायोरिटी देनी है, क्या आने वाला टाइम हमें दिखाने जा रहा है। मैंने इतनी सारी डिग्रीज ले ली, लेकिन क्या मैं एक सेकेंड के लिए सोचती हूँ, वो डिग्रीज कहीं ना कहीं जब मेरी शादी हुई तो उनका यू टर्न हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर लेडी जानती है कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आती हैं। तो वो क्वालिफिकेशन आज मेरे लिए क्या मायने रखता है? जस्ट हाँ, ठीक है, टीचिंग के लिए मैंने एक अपना डेली रूटीन की उसके लिए मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहां, वहीं पे एक थम के रह गई। अपनी ग्रोथ, मेरा जो मेरे जो स्किल्स थे, जो मेरा मेंटल लेवल था, उसको मैं कहीं से भी कुछ ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, उसको बढ़ा नहीं पा रही हूँ, उसमें चेंजेस नहीं ला पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपनी उसी में ब्रिज की तरह वहीं पे अड़ गए हैं कि जो मेरे पास है दैट इज द बेस्ट, इससे ऊपर मुझे जरूरत ही नहीं है। और हर एक इंसान आज देख लीजिए, अगर किसी ने PhD कर ली है तो उसको ये सीधे मैं लेक्चरर ही लगूं, उसको कुछ भी जीरो से शुरू नहीं करना है। मुझे आज तक याद है, मेरे कजन भैया इंजीनियरिंग करके आए, उनका 85% थे, और उस टाइम 85% बहुत ज्यादा थे, तो उनको जितनी भी नौकरियां मिल रही थी ही ज्वाइंड, कहीं पे भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नहीं ये तो बहुत लो लेवल की नौकरी है, मेरे लिए तो सीधे इंजीनियर की अच्छी नौकरी होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली उनको एज अ क्लर्क ज्वाइन करना पड़ा था बैंक में। तो समवेयर हम ऐसे अड़ जाते हैं कि सालों साल हमारे निकल जाते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा ही आइडिया पुटअप करने जा रही हूँ कि जहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें एडमेंट होना बंद करना पड़ेगा, एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर लानी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम था जब अभी चीजें डिफरेंट वे में देखी जाती थी, आज सब कुछ डिफरेंट वे में देखा जा रहा है। आप देख लीजिए, आप अगर अपने बारे में बात करें तो आप ही देख लीजिए, पिछले कुछ सालों के अंदर आप अपने अंदर ही देख सकते हैं कितनी आप को डिफरेंट मुश्किल आ रही होगी। अच्छा यार, इसके साथ कैसे कोप अप करें? आज फोन, पहले कैसा था नोकिया, आज फोन देख लीजिए कितनी चेंजेस है फोन में। आज गाड़ियां देख लीजिए, आज बाहर निकली, आज से 15 साल पहले मुझे याद है व्हेन आई वाज ड्राइविंग तो रोड्स खाली होती थी, हम एकदम जैसे उड़ते हुए जाते थे, और आज आप 2 मीटर चलते नहीं कि आपको ब्रेक मारनी पड़ती है। सो एवरी डे चेंजेस आ रही हैं, लेकिन क्या हम चेंजेस के साथ चेंज हो रहे हैं? एक कोविड आया, लेकिन कोविड ने कुछ लोगों को चेंज किया, लेकिन आने वाले टाइम में कोई और नया उड़ के वायरस आ जाएगा, तब आप क्या कर लेंगे? क्योंकि वायरसेस तो आते रहेंगे, लेकिन क्या आप उसी नौकरी पे अड़े रहेंगे और मुश्किल के दिन निकालते जाएंगे? कहीं ना कहीं हम अगर अपने बारे में कंपेयर करें फ्रेंड्स, हमारे परिवार हमारा परिवार है, या हम ही है, परिवार ही क्यों, हम ही है, क्या हमारी जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे? क्या एज जो बच्चे जो कि हमारे पेरेंट्स देख लेंगे, हम ये खर्चा वो दे देंगे? क्यों? आज के टाइम पे वो चीजें नहीं रही हैं। हर एक इंसान अगर कमा रहा है तो वो सोर्सेस जस्ट एक गुजारे के लिए उसके सिस्टम चल रहा है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो जाए, एक अच्छी गाड़ी हो, पैसा हो, मैं भी घूमने फिरने जाऊं, हेल्थ अच्छी हो, और
अगर मैं इन सब चीजों में, ये बड़ी मेन मेन चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, लेकिन हम उनसे भागते रहते हैं। चल रहा है ठीक है, गुजारा चल रहा है, चलने दीजिए। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो कई लोगों का होगा मनी। तो नहीं फ्रेंड्स, मनी नहीं, आप कहें टाइम नहीं। आप मुझे बताइए, मनी हो आपके पास, टाइम नहीं हो, हेल्थ ना हो, तो आप क्या करेंगे ऐसा मनी को? आपके पास टाइम हो, मनी हो, टाइम हो और मनी और हेल्थ हो, तो आप उसमें से क्या प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे हेल्थ हो गई है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके पास टाइम कितना भी है और आपको बिस्तरे पे पड़े रहना पड़ रहा है, दवाइयां खानी पड़ रही हैं, यू नो कहीं आप बाहर नहीं निकल सकते हो, हर टाइम किसी की हेल्प की जरूरत है, तो आप उस वैसे टाइम को क्या करेंगे? आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आप उस पैसे को खर्चने बाहर नहीं जा सकते, आप अच्छी अच्छी यू नो चीजें नहीं खा सकते, जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, गाड़ियां नहीं ले सकते, घूमने नहीं जा सकते, तो आप ऐसे पैसे को क्या करेंगे? अगर घर बहुत बड़ा है लेकिन हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? घर में आप किसी भी कमरे में जाके बैठेंगे तो आपको क्या उसको मतलब वहां पे कंफर्टेबल हो पाएंगे? आप बच्चों के साथ क्या अच्छा टाइम बिता पाएंगे? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमारी हेल्थ है, और यही हेल्थ हमारे परिवार की भी अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, ये तो सब हमारा है, लेकिन हर एक इंसान इस दुनिया में अलग अलग बना हुआ है। तो मेनली अगर हम पूरी दुनिया के लोगों को कंक्लूड मतलब डिफरेंट करें तो उनमें दो टाइप के लोग जो है निकल के सामने आते हैं। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि अब मैं क्या करूं, फ्रेंड्स मेरे पास तो बस यही नौकरी है, मेरा तो गुजारा चल नहीं रहा है, मैं तो बहुत मुश्किल में आ गया हूं, है ना, जब कोई कोविड आया, दुकान बंद हो गई, शटर बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, किसी का आज कितने ही लोगों की जॉब्स जा रही है, कोविड ही क्यों, आज यूके में जो इतना सॉरी इधर रशिया में और उसमें लड़ाई हो रही है, तो उसमें कितना सारा नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से कितनी ज्यादा इकोनॉमी में यू नो अप डाउन हुआ है, तो आप वो देखिए क्या कितने सारे लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आप वहां से सोचिए कि उनका कैसे गुजारा हो रहा होगा। हम हर दिन ये टेंशन से जीते हैं कि क्या पता कल हमारी नौकरी रहे ना रहे, खासकर प्राइवेट लोगों का तो यही रहता है कि क्या पता कल उठ के बोल दें कि हाँ जी आपकी जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है। कितने सारे हम देखते हैं स्कूल्स में ही, हम देखते हैं आज आपको मिल जाता है कि बस कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं सोचती हूँ कैसे वो लोग गुजारा करते होंगे। तो ऐसे टाइम पे जब दो टाइम हमें सर्कल में कहीं पे भी बैठा होगा कि बस टेंशन टेंशन टेंशन, ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, मैं क्या करूं, यू नो सेल्फ यार कहीं ना कहीं घर पे, बच्चों पे, जिन पे फाइनेंसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि कई लोग फाइनेंसेस नहीं होने की वजह से डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। वहीं पे दूसरे टाइप ऑफ लोग जो निकल के सामने आते हैं वो होते हैं विनर। विनर लोग जो होते हैं इनका सोचने का तरीका ही डिफरेंट होता है, ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, इनका रहता है कि यार मैं किस तरह से अपॉर्चुनिटीज ढूंढूं, जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही है उसी में से कैसे मैं सॉल्यूशंस निकालूं और मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि मेरे को ये जो प्रॉब्लम है मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने में फोकस करूं, ना कि ये सोचो कि उफ ये क्या हो गया। तो हमेशा इन लोगों का फोकस रहता है कि थैंक यू गॉड मेरी सेहत ठीक है, मेरी फैमिली ठीक है, मैं दुनिया के उन 98% लोगों में जो ठीक है, ना कि उन 2% में जो बीमार रहते हैं या जिनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है, तूने मुझे छत दी है रब, उसका थैंक यू करते हैं, खाने का साधन दिया उसका थैंक यू करते हैं, हर टाइम थैंक यू निकलता है उनके मुंह से, और अपनी हेल्थ के लिए हमेशा थैंक यू करते रहते हैं। और ऐसे टाइम पे जब चैलेंजेस आते हैं ये अपनी फैमिली को और ज्यादा यू नो क्लोज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं, इंस्टेड ऑफ कि तुमने ये किया, तूने ये क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम परेशान हैं, जॉब नहीं है, पॉपुलेशन यू नो बढ़ती जा रही है, आज इंडिया नंबर 1 पे आ गया है, खर्चे वही के वही हैं, इनफैक्ट हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, कहीं हर चीज में आप देखिए कुछ भी ले लीजिए हर एक जगह पे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम कहीं भी जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने ये नोट किया होगा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका बिजनेस जब कोविड के दौरान बंद हुआ था तब भी चल रहा था, जब नॉर्मल चल रहा है तब तो और ज्यादा चल रहा है, यू नो मतलब कॉन्टिन्यूसली आप चाहे ना चाहे वो उनका बिजनेस चल रहा है, जैसे कि टाटा वालों का, फेसबुक, जियो, इन सब का बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है।
हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं घर में, यू नो, ब्रश बर्तन यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, सफाई करते हैं, यू नो, गैस जलाते हैं, बर्तन जितने यूज करते हैं घर के, फिर हम यू नो विटामिंस वगैरह खाते हैं, कुछ ना कुछ हम डेली रूटीन में हमारा यू नो सोप ऑयल ये सब हमारा यूज हो रहा है, लेकिन ये यूज करने के लिए ये हम किसी ना किसी का बिजनेस चलाते जा रहे हैं और हम परेशान रह रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो मनी आता है आने से पहले ही वो EMIs ऐसी फिक्स हो रखी हैं कि वो निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कब गया. हर एक इंसान को देखिए, आज मैंने देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में है मेरे साथ के फ्रेंड, जितने भी प्राइवेट जॉब में है, जितने भी बिजनेसमैन है, सब ने मेरे को लगता है एक एक बार वो स्टेटस जरूर लगाया होगा कि मतलब पे आई नहीं और पहले ही EMIs वाले वो नो यू नो शुरू है अपनी चोंच मारना, मेरा दे दे, ऐसा शुरू हो गया सिस्टम. और सब रोते हैं कि पता ही नहीं चलता पे कब आती है और कब चली जाती है. तो लेकिन इन सब चीजों से बाहर निकल के जो पॉजिटिव मैन है, जो विनर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि यार मैं इतने लोगों का बिजनेस चला रहा हूं तो मैं अपना क्यों नहीं चलाता. तो ऐसे क्रिएटिव सॉल्यूशन सिर्फ विनर खोजता है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो उसमें से क्लूज ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है सॉल्व करने की प्रॉब्लम की, कैसे मैं उनको सॉल्व कर सकूं. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने ये सब देखा तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है, क्या उस क्वालिफिकेशन के साथ मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ, क्या ये हेल्प करेगा मेरा यू नो एमए बीएड इस बिजनेस को करने में, मेरा जो प्रोफेशन है क्या मैं उसके साथ कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मुझे एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखने को आया और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर है, यू नो वर्ल्ड के फाइनेंशियल एडवाइजर है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी, अथॉरिटी इन्वेस्टमेंट पे पूरी दुनिया के लोगों को इन्होंने चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है. ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग जो है अगर लीगल वे से देखा जाए तो ये चार वेज है जो वो पैसा कमाते हैं. सबसे पहला है एम्प्लॉय क्लास. एम्प्लॉय क्लास जो है इसमें हमेशा आपको यू नो रोने वाले लोग ही मिलेंगे, यार यहाँ पे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ पे हमारी पे हमें मिलती है बस आती कब है खत्म हो जाती है, यू नो हर टाइम इनका रोना धोना लगा रहता है. इनका एक यू नो सेट सिस्टम है, एक एवरेज लाइफ बिताने का इनका हमेशा रहता है, छोटी छोटी चीजों के लिए ये तरसते रहते हैं, सेट टाइम ऑफ लिमिट यू नो सेट लिमिट ऑफ टाइम लगाते हैं और फिक्स्ड इनकम जनरेट करते हैं. टाइम लगाएंगे तो इनकम आएगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगी. इसके एडिशन अगर मैं कहूँ तो इसमें डिग्रीज बहुत मायने रखती हैं, एक टाइम पे रखती थी, इनफैक्ट थी कहूंगी, आज के टाइम पे तो डिग्रीज भी मायने नहीं रखती क्योंकि हम देख रहे हैं अपने आसपास क्या हाल हो रहे हैं. तो जितनी बड़ी डिग्री उतना पैसा ज्यादा. अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह दूं तो बता दूं तो जैसे आप एक कंपनी एक बैंक में आप ले लीजिए, एक 12th पास लगा है तो वो शायद एक नॉर्मल क्लर्क ये नॉर्मल पीएन या वो लग जाएगा, और एक अगर किसी ने यू नो एमबीए कर रखी है तो वो बैंक में मैनेजर लग जाएगा या उससे बड़े. तो इस तरह से क्या होता है कि जब जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला है जैसे 12th पास करके पीएन लगा है उसको 10-12 हजार पे मिलेगी, और वहीं पे जो बैंक मैनेजर है उसको 1-1.5 लाख तक की इनकम मिलेगी. अब इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिग्री का, उसकी वजह से इनकी थोड़ी सी यू नो बेटर हो जाती है पोजीशनिंग. अदरवाइज टाइम ये लोग सेम लगाते हैं और रोना धोना इनके घर पे हर टाइम चलता रहता है, पैसा तो आता है लेकिन यू नो कोई ऐसा मौका नहीं होता जब ये लोग ये डिस्कशन ना कर रहे हो यार इस महीने ये खर्चा हो गया अब नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा इसको यहाँ से सेव करना पड़ेगा, वहां से वहां पे खर्च नहीं करना है, ये नई चीज लाई है इसको ढंग से इस्तेमाल करना, दोबारा खराब नहीं होनी चाहिए. मतलब सालों साल निकल जाते हैं, चीजें वैसी की वैसी कवर से भरी यू नो कवर ही उनपे लगा रह जाता है. अब वहीं पे जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉय क्लास. ये लोग यू नो अपने सेल्फ उस पर बड़ा रखते हैं कि हाँ भाई हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इनका ये रहता है कि हम जस्ट अ सेकेंड मैम स्क्रीन शेयर हो रही है कुछ इशू होगा बंद हो गई एक सेकेंड मैम सॉरी कॉल आ गई थी एक्चुअली में. ओके तो सेल्फ एम्प्लॉय क्लास का ये रहता है कि वो ये देखते हैं कि यार एम्प्लॉय क्लास जो है वो पैसे तो कमा रही है लेकिन खुश नहीं है, हमेशा परेशान रहती है, हमेशा उसका ये रहता है कि मैं कब क्या कैसे करूं. हां आ रही है ना, बंद होगी दोबारा. आवाज तो आ रही है मेरी, सिर्फ आवाज आ रही है मैम, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है. Just a second.
अभी आ रही है मैम? यस मैम। मैम फिर बंद हो गई। एक सेकेंड। तो सेल्फ एम्प्लॉय क्लास का ये रहता है कि वो देखते हैं एम्प्लॉय क्लास खुश नहीं है क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन रोना धोना उनका लगा हो रहा है, तो वो अपने स्किल जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है, इसमें सब आपको डॉक्टर, लॉयर्स, यू नो, स्मॉल शॉपकीपर्स, ये सब मिल जाएंगे, क्योंकि इनका क्या है, जो इन्होंने एक स्किल डेवलप कर रखी है या किसी ने एक ग्रॉसरी की शॉप खोल रखी है उसमें अपना वो पूरा ग्रॉसरी से भर रखा है, तो उनका क्या रहता है कि वो उसी में फोकस करते हैं और उसी को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो एज अ टीचर, अगर मैं कहूं मैं टीचिंग कर रही हूं स्कूल में और साथ में ही मैं अपना ट्यूशन सेंटर खोलूं या बच्चों को होम ट्यूशन देना शुरू कर दूं, तो मैं वो एक अपने स्किल को और ज्यादा यूज कर रही हूं मनी कमाने में। अब इसमें क्या होता है कि पैसा तो आ जाता है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हूं, जहां 7-8 घंटे मैंने स्कूल में लगाए, उसके बाद 5-6 घंटे मैंने घर पे लगाए और उसकी वजह से ट्यूशन पढ़ाई और उस वजह से मेरे को पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन होता क्या है, इतने घंटे पढ़ाने की वजह से एक तो टाइम खत्म, घर पे किसी के लिए टाइम नहीं, दूसरा आपकी हेल्थ, वो धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी यू नो कंडीशन बुरी हो जाएगी, जहां आपने यू नो एक ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहना था वहां आप पहले से ही आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। अब यहीं पे हमारा नेक्स्ट क्वाड्रेंट आता है, दैट इज बिजनेस क्वाड्रेंट। ये लोग कुछ डिफरेंट ही इनकी सोच होती है, ये लोग जो इस क्वाड्रेंट के लोग हैं, ये लोग लिवर सिस्टम में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि मैं कितना भी बड़ा हूं, सियाना हूं, मैं कितना ही इंटेलिजेंट हूं, अकेले अगर करने निकलूंगा तो मैं बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल पाऊंगा, मुझे लोगों को साथ लेके चलना है क्योंकि उससे मेरी बकेट तो भरेगी लेकिन एक एक कतरा जब उनकी बाल्टी में भी पड़ेगा, उनके ड्रीम्स भी पूरे होंगे, उनके डिजायर्स भी पूरे होंगे, उनका भी यू नो फेथ बढ़ेगा इस चीज में, उनको भी पैसे मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मेरा एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। और आप देख लीजिए आसपास आजकल यू नो जितने भी हमारे ये शोरूम्स है बड़े बड़े, जो यू नो लाइक मैकडी हो गया या डोमिनोज हो गया, ये सब क्या है, इन्होंने अपना एक सिस्टम सेट कर रखा है पूरे इंडिया में, इनके हर सिटी में, इवन हर मतलब सिटी में भी, इनफैक्ट आजकल तो 3-3, 4-4 हो गए हैं इनके यू नो खुले हुए हैं रेस्टोरेंट्स, एंड आप वहां जाके परचेज कर रहे हैं और इनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और उनको रन कोई और कर रहा है, हमारे जैसे लोग जो अपना स्किल यूज करते हैं। तो बिजनेस ओनर का हमेशा एक सिस्टम क्रिएट करने का फोकस रहता है, इनका हमेशा रहता है कि मैं कुछ तो मतलब लोगों को अपने साथ लेके चलूंगा तो ही सिस्टम बढ़ेगा, अदरवाइज अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, दैट इज इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में अगर मैं कहूँ तो यू नो इन्वेस्टर क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं, वो जब उनके पास एम्पल अमाउंट तक मनी आ जाता है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, तो फिर वो उसको आगे इन्वेस्ट करना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट में डिफरेंट तरीके से, और फिर पैसे से ही पैसा कमाते हैं। अब जब ये सब मैंने देखा तो मेरा लिटरली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं जिस बैकग्राउंड से हूं, मैं कैसे इस बिजनेस में आ सकती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी, तो मुझे मेरे मेंटोर ने ये प्रोफाइल दिखाई। फ्रेंड्स, ये डिफरेंट पीपल है एट डिफरेंट लेवल्स, इन सब ने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। इस बिजनेस की खासियत ये है कि एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान विदाउट कोई भी पढ़ाई किए हुए, विदाउट यू नो कोई भी अच्छी बैकग्राउंड, एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल का इंसान वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। एक बहुत हाई लेवल का इंसान जिसने बहुत ज्यादा डिग्रियां ले रखी हैं, बहुत ज्यादा यू नो क्वालिफाइड है, वो भी इस बिजनेस कर सकता है। एक स्टूडेंट जो कि जस्ट 18 इयर्स का हुआ है, 18 इयर्स के बाद वो भी इस बिजनेस को कर सकता है। एक हाउसवाइफ इस बिजनेस को कर सकती है। एक अपना ऑलरेडी कन्वेंशनल बिजनेस चलाता हुआ इंसान इस बिजनेस को कर सकता है। एक यू नो आप एज बार कोई नहीं है, आप 18 प्लस हुए हैं तो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग एज इज 18, अदरवाइज आप किसी भी एज में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे ये सारे मेंटोर्स हैं, हमारे ग्रेट मेंटोर्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट अगर मैं पहला जो है आशुतोष रस्तोगी जी, दूसरे डॉक्टर हॉलन्यू पॉल जी, नोबेल प्राइज नॉमिनी रह चुके हैं ये, कुलिन एंड मीना देसाई जी, उसके बाद जो हमारे बहुत ग्रेट ग्रेट मेंटोर हैं जो कि इंडिया में इस बिजनेस में सबसे टॉप लेवल पे हैं, जिन्होंने इनफैक्ट हम कहेंगे कि बिजनेस यहाँ लाया था, दैट इज डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्राज मैम। ये डॉक्टर्स थे कैनेडा में और वेल सेटल्ड थे, अपना नर्सिंग होम सक्सेसफुली रन कर रहे थे। बट फ्रेंड्स,
50 प्लस एज में सर को कोई पेशेंट आके ऐसे ही आइडिया फ्लोट करता है और वो अपना माइंड सेटअप करते हैं और वहां सब बंद करके इंडिया आ जाते हैं और इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आफ्टर ऑल उनके अंदर भी क्या ऐसा जज्बा रहा होगा कि 50 प्लस की एज में भी उनके अंदर ये हिम्मत थी कि मैं अपना सब कुछ यहाँ बंद करूंगा और मैं जाके इंडिया में सक्सेसफुल करूंगा इस बिजनेस को। क्या गारंटी थी उनके पास कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। वहीं पे नेक्स्ट हमारे ग्रेट मेंटोर आते हैं एमपी सिंह संधू एंड दविंदर मैम। इनको हमने कल ही वहां पे इवेंट पे देखा एंड दे वर लुकिंग ग्रेट। मैम तो मतलब वो लुकिंग एज यूजुअल, ऐसा लगता है हर दिन यंग ही होती जा रही हैं, लेकिन दे आर रियली ऑसम। आप उनको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि मतलब करोड़ों कमाने वाला इंसान इतना हम्बल इतना सिंपल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटोर जो कि हमारे जेएनके में इस बिजनेस में टॉप लेवल पे हैं और हमें हर दिन गाइड करते हैं। जब भी हम इनसे कुछ भी गाइडेंस लेना चाहें पूरा जोश भरा हमें यू नो एक्साइटेड कर देते हैं पानी सर एंड परवीन मैम। नेक्स्ट अजीतपाल सिंह मांगट एंड रणधीर कौर मांगट, इनको भी कल हमने वहां पे देखा। ये टीचर रह चुके हैं सर। और लास्ट दुर्गा सिंह जी जो कि एक साइकिल मैकेनिक है। फ्रेंड्स सोचिए, वाइफ हाउस वाइफ थी, पढ़ी लिखी नहीं है और दुर्गा सिंह जी भी 8वीं 9वीं फेल है और साइकिल मैकेनिक थे, लेकिन जज्बा था तो आज लाखों इस बिजनेस से कमा रहे हैं। आप सोचिए कि क्या ऐसा रहा होगा इन लोगों के अंदर कि उन्होंने को लगा नहीं हमें ये बिजनेस करना चाहिए। तो आई वाज स्टन्ड एंड मैंने नोटिस किया यार अगर इतने प्रोफेशनल इतने सक्सेसफुल लोग ये कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन के साथ इसको कर सकते हैं, तो मैं मतलब मैं वहीं पे देखो तो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान भी कर रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं तो इसमें एग्जिस्ट करती हूँ। और दैट वाज द मोमेंट फ्रेंड्स जब मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों पीछे रहूं, क्यों मैं अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से अपनी थॉट को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, क्यों मैं ये कहूं कि नहीं जो मेरी फ्रेंड ने किया मैं उतना ही कर सकती हूँ उससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्यों मैं ये कहूं कि मैं इसको एक्सप्लोर ही नहीं करूंगी क्योंकि मेरे से तो ये होगा ही नहीं। मैंने कहा मैं कोशिश करूंगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। कैसे क्या वो ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अब आपकी बारी है। एज्यूम करिए ये आप हैं राइट साइड पे और आप जब मार्केट जाते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो आप कहें कि आपकी जो इनकम है जो आप अर्न करते हैं उसका 60-70% आप मार्केट में जाके स्पेंड करते हैं। वहीं पे यू नो वो जो 60-70% होता है वो आप अपनी डेली यूज के लिए जो चीजें लाते हैं उस पर स्पेंड होता है। कहने के लिए आप 30-40% सेव तो कर देते हैं लेकिन वो भी अल्टीमेटली फ्यूचर में जाके मार्केट में ही खर्च होता है, शादियों में, पढ़ाइयों में, यू नो घर की रेनोवेशन में, घर बनाने में, गाड़ियां लेने में या उनकी गाड़ियों के यू नो इंस्टॉलमेंट्स देने में, तो कहीं ना कहीं वो भी पैसा मार्केट में ही जा रहा है। तो आप जाते हैं जब आप मार्केट में तो आप रिटेलर से सामान लेते हैं और रिटेलर उस सामान को यू नो खुद नहीं बनाता है, होलसेलर से लाता है, होलसेलर वाला खुद नहीं बनाता है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से लाता है। वहीं पे वो जॉबर एंड एडवर्टीजर से इसकी एडवर्टीजमेंट करवाई जाती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ से सामान खरीदते हैं और यू नो इसके एडवर्टीजमेंट करके पैसा कमाते हैं। उससे पहले ये सामान बना था सिर्फ 30 रुपए का, पहुंचते पहुंचते सबके बीच में से होते होते आपके पास ये पहुंचता है 100 रुपए में, मिलता है आपको और इस 70% को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये 70% की वजह से ये लोग सारे अपनी लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, मतलब यू नो हर जगह घूम फिर रहे हैं, अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैंने सोचा यार मैं क्यों ये 70% दे रही हूं, मैं अगर एक एस्टिमेट लगाऊं नॉर्मली मैं आज के टाइम पे अगर फर्ज करिए मैंने अभी तक 10 लाख भी खर्च कर दिया मार्केट में तो 10 लाख में से 3 लाख का ही मैंने सामान लिया है, 7 लाख तो मैंने यू नो एक सॉर्ट ऑफ दान किया है या यू नो पानी में बहा दिया है। क्यों कैलकुलेट करके देखिए, अभी मैं सिर्फ 7-10 लाख की बात कर रही हूँ, हम तो करोड़ों में खर्च देते हैं पूरी जिंदगी जब हम स्पेंड करते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें हर एक चीज को मिला के तो करोड़ से ऊपर तो जाता ही जाता है सबका खर्चा। तो फ्रेंड्स वहीं पे एक प्लेटफॉर्म सामने आया जिसने मुझे कहा कि ये जो बीच वाले लोग हैं ये जहां से पैसा कमा रहे हैं आपको भी मौका मिलता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका 110 कंट्री में सक्सेसफुली बिजनेस ग्रो कर रहा है, 62 इयर्स से ये बिजनेस यू नो ये बिजनेस अपना एक्सपैंड करता जा रहा है, 62 क्या इंपैक्ट उससे ज्यादा इयर्स हो गए हैं, 64-65 इयर्स होने वाले हैं। वहीं पे यू नो आप क्या पढ़ाई की है वो कोई मायने नहीं रखता है, आज नया आया इंसान भी वही पढ़ाई करके इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर सकता है जो एक आज से 50 साल पहले किसी ने किया था। प्रॉपर सिस्टम, प्रूवन इथिक्स के साथ ये आपको बिजनेस करने को आपको हेल्प करता है। आई फील वेरी प्राउड टू टेक द नेम ऑफ माय कंपनी, आर कंपनी, दैट इज एमवे एंटरप्राइज 3.0। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, एमवे 3.0 दिस कंपनी गेव मी अ चांस कि मैं भी अपने आप को यू नो सक्सेसफुल कर सकूं, मैं भी ये 70% पैसा अपनी तरफ कर सकूं।
और आज इसी के बिहाफ पे मैं आपको ऑफर करती हूँ कि आइए हमारे पार्टनर बनिए, मेरी कंपनी के पार्टनर बनिए, मेरे साथ पार्टनर बनिए और ये चांस लीजिए कि कैसे हम भी एक एम्प्लॉय होते हुए, सेल्फ एम्प्लॉय होते हुए, होम मेकर होते हुए, स्टूडेंट होते हुए साथ साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप चाहो नहीं चाहो, आप कुछ भी हैं आज के टाइम पे, आप जाके मार्केट से जरूरत का सामान खरीदते ही खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, करते थे, करते हो, करते रहोगे, तो सर्विसेज भी यही कहीं ना कहीं आप ले रहे थे, ले रहे हो, लेते रहोगे। यहाँ नोट करने वाली बात ये फ्रेंड्स कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिडल मैन के लिए है ये सब, और वही जो पैसा है वो लेके एक नॉर्मल इंसान भी अमीर हो सकता है। और मैं अगर अपने सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल में कितने ही इंपॉर्टेंट लोग होंगे, कस्टमर यानी कि आप और बनाने वाले यानी कि कंपनी, तो क्यों ना हाथ मिला लें, इनका सिर्फ इतना कहना है। आइए हाथ मिला लेते हैं, एक अपनी फॉरम बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं और अपने बिजनेस पार्टनर बना के ये मिडल मैन वाला मनी अपनी तरफ कर लेते हैं। मैं बड़ी कई बार हैरान होती हूँ जब देखती हूँ कि लोगों को बस इतना सा समझ नहीं आता कि फ्रेंड सिर्फ दुकान बदलनी है, अपना माइंड सेटअप बदलना है, ग्रो करने का माइंड सेटअप लाना है बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको इस बिजनेस में। अगर ये दो चीजें आपके अंदर हैं तो आप मिडल मैन वाला पूरा मनी अपनी तरफ कर सकते हैं और बहुत ही कॉमन सेंस वाला ये लगा के इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब यहां मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जो अभी तक मुझे इस बिजनेस में समझ में आया है वो ये है कि मार्केट सोसाइटी में ये एक लोगों ने बहुत बड़ा मिथ फैला रखा है कि ये लोगों को जोड़ने, फंसाने, कन्विंस करने, चेन बनाने, इन सब का काम है। तो फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को चेन बनाने का काम कहेंगे तो ये है, अगर आप इस फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट बनाने का को चेन कहेंगे तो ये है, अगर आपको लगता है कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो आपने किसी को कन्विंस किया है तो यस, ये कन्विंस करने का बिजनेस है। फ्रेंड्स ये आप पे है, आप इसको कैसे लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फ्रेंड्स ये सब सर्कल जो बनते हैं ये दिल जोड़ने के से बनते हैं, दिलों को जोड़ने का काम है फ्रेंड्स ये। और हम अच्छे से जानते हैं कि हम इतनी भी चलाकी कर लें, टेक्निक्स लगा लें, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है किसी को लेके। आप थोड़ी देर तक ड्रामा कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमें सारी जिंदगी एजुकेशन मिलती है कि हाँ बस पीछे उसको पीछे रखना है, तुमने आगे बढ़ना है, तुमने ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तुमने ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, तुमने आगे बढ़ना है, तुमने फर्स्ट जाना है, तुमने फर्स्ट मेडल लाना है। हर एक इंसान आज के टाइम पे हमें सोसाइटी ने यही सिखा दिया है, क्योंकि उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल जाता है कुछ ऐसे लोगों को, तो फिर वो यही कॉम्पिटिशन हर एक के अंदर फैलता जा रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पे डिफरेंट पढ़ाई है, डिफरेंट वे है, लेकिन अगर आप इस पढ़ाई को करते हैं गारंटी है फ्रेंड्स कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। और मैं इसकी भी श्योरिटी देती हूँ कि आप जब इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे और इस बिजनेस को सीखना शुरू करेंगे ना, आप कहेंगे कि यार मेरी तो नॉर्मल रूटीन में ही ये चीजें कितनी इंक्लूड होती हैं। ये एक बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स, ये आपकी नॉर्मल लाइफ जीना सिखाता है आपको कि कैसे एक आप अच्छी लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ, एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। और वैसे ही आप तो ऐसे हमारे दिल जुड़ते हैं फ्रेंड्स, फिर हम चल पड़ते हैं आगे और कहीं ना कहीं हम एक बिजनेस साम्राज्य स्थापित करने में सक्सेसफुल होते हैं। और वो कैसे सक्सेसफुल होता है, कैसे बनता है फ्रेंड्स, राइट साइड पे देख रहे हैं आप एमवे गुरुकुल जो हमें सिखाता है कि कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और वहीं पे लेफ्ट साइड पे एमवे जो कि हमें कहता है कि मेरे से सामान लीजिए, जो प्रोडक्ट आप मार्केट से ले रहे थे एटलीस्ट जो मेरे पास अवेलेबल है वो मेरे से लीजिए ताकि आपका एक बिजनेस क्रिएट हो सके और उसकी वजह से आप भी सक्सेसफुल हो सके। तो लेफ्ट राइट साइड पे एमवे गुरुकुल, लेफ्ट साइड पे एमवे, एंड टॉप पे हमारे मेंटोर जो कि हर टाइम मैंने आपको कहा गाइड करेंगे, हर स्टेप पे बताएंगे कि इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। एक पाथ बना रखा है उन लोगों ने कि इस पे चलोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। और जब आप ये चीजें करना शुरू होगे तो आपको धीरे धीरे आप जब लोगों से इसी आइडिया को शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स मैं नहीं कहती कि सब आएंगे, बट यस जो लाइक माइंडेड होंगे, जो आज जैसे आप ग्रो करना चाहते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, वो भी इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही देख के एक्साइटेड हो जाएंगे और इस बिजनेस में जरूर आएंगे। और फिर पैसा कैसे आता है ये
कहीं ना कहीं हर एक यू नो बिजनेस में ये चीज रहती है कि बिजनेस की बात हो रही है तो पैसे की बात तो होनी चाहिए, बट यस हमारे बिजनेस में आज के टाइम पे अगर मैं आपको फ्रेंकली बताऊं फ्रेंड्स, पैसे से ज्यादा हमारी हेल्थ पे यू नो फोकस किया जा रहा है, सबसे ज्यादा हमारी हेल्थ को प्रायोरिटी दी जा रही है कि नहीं हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा। तो पैसा कैसे आता है, आप जब दो टाइप से होता है, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। एक्टिव इनकम में क्या होता है, आप इमीडिएटली आप सिर्फ अपने आप को यू नो आपने ये जो परचेजिंग पावर है उसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट से ले रहे थे जो कि आपका कोई भी किसी ने गारंटी नहीं दी थी आपको, लेकिन फिर भी आप ले रहे थे, आप वो छोड़ के यहाँ से लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है, मनी अकाउंट में भी आता है और 30 डेज की फ्रेंड मनी बैक गारंटी मिलती है। यहाँ पे मैं एक ऑडियो सुन रही थी, उन्होंने कहा कि कई बार जब हम किसी से बात करने जाता है तो उनका ये कहना होता है कि हाँ भाई मेरे किसी ने लिया था सामान, उनका अभी तक अंदर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने आगे से कहा कि क्यों, उनको पता नहीं था 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है, तो वापस कर देते ना अगर पसंद नहीं आया था। तो इट्स लाइक कुछ नहीं किया होता है बट दे विल शो कि हाँ हमने तो लिया था और ये हुआ वो हुआ। तो फ्रेंड्स आपको बड़ा ध्यान रखना है कि 30 डेज मनी बैक गारंटी है, यहाँ पे कोई किसी को झूठ नहीं बोल सकता कि हाँ हमने सामान लेके अभी तक हमारे पास अंदर पड़ा हुआ है। ऑफर्स आपको हर मंथ आती हैं एंड 5% एक्स्ट्रा कस्टमर इंसेंटिव मिलता है कंपनी की तरफ से। वहीं पे जब आप टीम आपकी बिल्ड होना शुरू जाती है तो आपको एक पैसिव इनकम आती है एंड दैट इनकम इज उस इनकम में आपको यू नो आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ एक टीम काम कर रही होती है और फिर आपके लिए डिफरेंट गोल सेट किए जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3% पहला यू नो होता है और उस पर ऊपर ग्रो करते हुए पहला सिग्निफिकेंट जो लेवल आता है दैट इज 15% जिसको हम स्टार ब्रॉन्ज पिन भी कहते हैं। और यहाँ पे आपकी इनकम तकरीबन 40,000 to 50,000 होती है फ्रेंड्स, जो कि आज मैं कहूंगी किसी की भी स्टार्टिंग सैलरी हार्डली कोई ऐसा होगा जिसमें कि ये स्टार्टिंग सैलरी होगी और एक यू नो अच्छी डिग्री लेने के बाद ही ये सैलरी आपको मिलेगी। तो जैसे ही ये आप कर लेते हैं तो आपकी ऐसी इनकम आना शुरू हो जाती है एंड मूविंग ऑन 18% देन 21% 21% पे फ्रेंड्स आप सिल्वर होते हैं और आपका इनकम 1,00,000+, आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, आपको 1,00,000+ आना शुरू हो जाता है। और फिर इसी लेवल को जब आप 3 महीने मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं, 6 महीने मेंटेन करते हैं तो प्लैटिनम होते हैं, यानी कि सिल्वर लेवल को ही मेंटेन करने की बात है, गेम है सारी फ्रेंड्स। और फिर जब सिल्वर लेवल को आप पूरा साल मेंटेन करते हैं यानी कि 10,000 PV आप पूरे साल करते हैं तब आप फाउंडर प्लैटिनम होते हैं। और विद गॉड्स ब्लेसिंग हम जिनकी मेंटोरशिप ले रहे हैं वो इसी लेवल पे हैं, इसी लेवल के पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। मूविंग ऑन फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दिलों को जोड़ने का काम है, दिलों के साथ यू नो कनेक्शन बनाने का, एक टीम बनाने का काम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 फ्रेंड आपको ऐसे फ्रेंड्स आपने अपने यू नो 3 ऐसे लोग अपने साथ कनेक्ट करने पड़ते हैं, उनको ऐसा सिखाना पड़ता है कि वो भी प्लैटिनम लेवल पे आ जाए। और अगर वो प्लैटिनम लेवल पे आ जाते हैं तो आप एमरल्ड हो जाते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपका पैकेज 30 to 40 lakhs आना शुरू हो जाता है साल का। मूविंग ऑन, जब ऐसे ही 3 families को आप सिखाते हैं प्लैटिनम बनना और आप साथ होके उनको यू नो ग्रो कराते हैं तो आप डायमंड लेवल पे होते हैं। और डायमंड लेवल को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो फ्रेंड्स इट इज यू नो सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ अगर किसी को कहेंगे तो दैट इज डायमंडशिप। और यहाँ पे आपके सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल होता है, आपका नेम फेम ऑडियोज वीडियोज सब बन रही होती हैं, आपको डिफरेंट यू नो इवेंट्स पे बुलाया जाता है, आप सबको मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे कल हम न्यू एक डायमंड कपल से भी मिले हैं, वहां पे उन्होंने भी अपनी जर्नी शेयर की। सोचिए आपको आपके ऑफिस में अपने बिजनेस में या जो भी आप आज कर रहे हैं कितनी बार मौका मिला होगा अपनी जर्नी शेयर करने के बाद के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ये जो डायमंड कपल हैं जिन्होंने रिसेंटली ब्रेक किया होगा, मैं कहती हूँ इनको कितने सारे ऐसे इवेंट्स होंगे और हर जगह उनकी यू नो अपनी स्टोरी शेयर करने का उनको मौका मिलेगा। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। हमारा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं देता, एक आपको अच्छा लाइफस्टाइल जीने का मौका देता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि ये अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, मुझे भी यू नो अपनी हेल्थ वेल्थ सबके केयर करनी है, तो आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करिए, इसमें आइए, अपने जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनके साथ कनेक्ट होइए। आज सब उनको थैंक्स जरूर बोलेंगे, जो भी नए लोग आज यहाँ पे आए हैं, आपको जिन्होंने भी बुलाया है उनको जरूर थैंक्स करिए, क्योंकि आज आपको समझ नहीं आएगा बट एक टाइम के बाद आपको पता चलेगा कि यस ये कितना इंपॉर्टेंट था टू थैंक देम। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।